ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की ये सीरीज जब भारत ने जीती है और अब तैयारी है, काउंटडाउन है वर्ल्ड कप 2023 का। जी हाँ, ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप 2023 ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत के लिए बहुत खास है क्योंकि भारत की घरेलू सरजमी पर खेला जाएगा। अब तमाम टीमें भारत का दौरा करना शुरू कर चुकी है, लेकिन टीम इंडिया के मुकाबले कब होंगे, कहाँ होंगे, किसके साथ में होंगे, पॉइंट्स टेबल कैसे काम करेगी, भारतीय मुकाबलों का पूरा स्केड्यूल हम आपको बताएंगे। बताएंगे भारत के वार्म अप मुकाबलों का भी आपको स्केड्यूल, लाइव स्ट्रीमिंग से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे सब कुछ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम इंडिया की स्क्वाड क्या रहेगी, चलिए वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का क्या है कार्यक्रम और बाकी तमाम अपडेट इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं इंडियन टीम के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में बताएं इस बार का वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा। तो जी हाँ, भारत में इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप के स्केड्यूल का बदलाव किया गया है। कुल 9 टीमों के मुकाबलों को रिस्केड्यूल किया गया है। भारत के भी कुछ मुकाबलों की तारीख बदली गई है। भारत पाकिस्तान के मुकाबले को भी बदल दिया गया है। भारतीय टीम विश्व कप में अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। तो हम आपको बताएंगे भारत का पूरा स्केड्यूल क्या रहेगा और हम आपको बताएंगे क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि भारत के 10 शहरों में मुकाबले होंगे। विश्व कप 10 जगह पर खेले जाएंगे। भारत के ये मुकाबले वो अलग अलग वेन्यू पर रहेंगे। हम आपको बता दें कि इस विश्व कप में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। इस विश्व कप में सभी बाकी 9 टीमों के साथ राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेगी। इनमें से अंक तालिका में शुरुआती 4 स्थान पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएगी और यहां जीतने वाली टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। पिछली बार इंग्लैंड भी इसी फॉर्मेट में विश्व कप का आयोजन किया, तब इंग्लिश टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। लेकिन राउंड रॉबिन का मतलब एक ही पॉइंट्स टेबल रहेगी, 1 से 10 तक की टीमें रहेंगी और हर एक टीम के पॉइंट्स टेबल में उछल पुछल होती रहेगी और टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। लेकिन चलिए इंडियन क्रिकेट टीम का पूरा स्केड्यूल हम आपको अब बता देते हैं। दरअसल भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा, चेन्नई में खेला जाएगा। तो भारत अपने अभियान का आगाज 8 अक्टूबर से करेगा। भारत का दूसरा मुकाबला 11 अक्टूबर को खेला जाएगा और वो खेला जाएगा अफगानिस्तान के खिलाफ और वो खेला जाएगा दिल्ली के आप स्टेडियम में देखेंगे। चलिए बात करते हैं तीसरा बड़ा मुकाबला जो भारत और पाकिस्तान का होगा, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो जगह 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। 19 अक्टूबर को भारत का बांग्लादेश से मुकाबला होगा, पुणे में होगा। और 22 अक्टूबर को भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा, धर्मशाला में। 29 अक्टूबर को इंग्लैंड से मुकाबला होगा भारत का, लखनऊ के मैदान पर। 2 नवंबर को श्रीलंका से भिड़ेगी भारत, मुंबई में। 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी भारत, कोलकाता में। 12 नवंबर को नीदरलैंड से भिड़ेगी भारत, बेंगलुरु में। और अब बात करें 15 नवंबर को तो सेमीफाइनल फर्स्ट खेला जाएगा, 16 नवंबर को सेमीफाइनल टू खेला जाएगा और 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। अब अगर इन मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो इन मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप टीवी में देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इन्हें लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, जहाँ हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषा में आप देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल में देखते हैं, लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो हॉट स्टार ऐप पर आपको देखने को मिलेगा। और इस बार तो कहा जा रहा है बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा मोबाइल यूजर्स को। अगर आप लैपटॉप में देखना चाहते हैं तो फिर वहीं हॉट स्टार नामक ऐप पर आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया की टीम की बात करते हैं तो हम आपको ये पिक्चर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं टीम इंडिया के स्क्वाड के अंदर कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। वही स्क्वाड है, ज़्यादा बदलाव किए नहीं गए हैं और ऑफिशियली तरीके से इसका ऐलान कर दिया गया है। तो ये रही टीम इंडिया की स्क्वाड। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं वार्म अप मुकाबलों की जो इंडिया खेलेगा, तो उसका स्केड्यूल से हम आपको अवगत कराते हैं। इंडिया का जो पहला वार्म अप मुकाबला है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा 30 सितंबर को और दूसरा वार्म अप मुकाबला जो है वो नीदरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा, वो खेला जाएगा 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो यह है बहुत बड़ा ऐलान टीम इंडिया का। आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।